पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ को प्रूव किया था, बट वो एक स्पेसिफिक टाइप के सरफेस के लिए था, एक स्फेरिकल सरफेस के लिए था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही क्लोज्ड सरफेस एक रेगुलर शेप का सरफेस हो, यानी कि स्फेरिकल हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट में भी हमने ये कहा है कि गॉस लॉ इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, बिकॉज द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज़ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन साइड द सरफेस। तो ये जो एनी सरफेस हमने कहा है, लेकिन जो पिछला जो हमने प्रूफ किया था उसमें तो हमने एक स्पेसिफिक टाइप का सरफेस लिया है, एक स्फेरिकल सरफेस, जबकि कहा गया है एनी क्लोज सरफेस किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सही होगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सही होगा ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखते हैं कि कोई भी शेप का, कोई इरेगुलर शेप का अगर सरफेस है तो उसके लिए गॉस लॉ कैसे प्रूव किया जाएगा। तो सपोज हमारे पास एक कोई इरेगुलर शेप का सरफेस है, इस तरह से ये कोई इरेगुलर शेप का सरफेस हमने ले लिया। इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमें पता लगाना होगा। तो सपोज इस सरफेस के अंदर कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और इस चार्ज पार्टिकल पर मान लेते हैं कि प्लस क्यू कितना चार्ज है, ओ पॉइंट पर ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ ओ पॉइंट पर ये चार्ज पार्टिकल है और प्लस क्यू इस पर चार्ज है। तो इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें पता लगाना है। तो मान लेते हैं कि इस सरफेस पर कोई पॉइंट है यहाँ पी, और उस पॉइंट पर ही हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर ये मान लो पी पॉइंट है, यहाँ पी पॉइंट पर हमने ये डी एस सरफेस एरिया ले लिया, डी एस एरिया। अब इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा पहले ये देखेंगे, इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, फिर पूरे सरफेस के लिए जब हमें फ्लक्स निकालना होगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इस सरफेस एरिया के लिए पहले तो हम बना लेते हैं एक सरफेस एरिया वेक्टर, ये सरफेस एरिया वेक्टर इस तरह से आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसी पॉइंट पर बनाना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे बनेगा, ये तो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर हो गया डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस पॉइंट पर बनाना है तो कैसे बनेगा, ओ पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ जो लाइन आएगी, ओ से पी की तरफ एक लाइन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस पॉइंट को चार्ज पार्टिकल से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही होता है। तो ओ से पी की तरफ एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंसेंट्रेशन विद द पॉइंट चार्ज। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये पी पॉइंट को क्यू से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डी ई की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ई ले सकते हैं, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस के साथ सपोज यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, तो ये थीटा एंगल की वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी, क्योंकि ये सरफेस हमारा है इररेगुलर शेप का सरफेस। तो इररेगुलर शेप का सरफेस है तो किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये ओ से पी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया थीटा, ठीक है। तो फिर इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा ये देख लेते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट डीएस, डीएस एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा, तो सपोज डी फाइव फ्लक्स पास होगा तो डी फाइव विल बी ई डॉट डीएस, सो ई डॉट डीएस विल बिकम ई डीएस कॉस थीटा। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस। तो अब पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस डी फाइव फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देना होगा। देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट
एरिया। ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, इसको बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो कंप्लीट गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, फाई ई विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और यहाँ पर हम क्लोज्ड सरफेस वाला साइन लगाएंगे। क्लोज सरफेस वाला साइन कैसे लगाएंगे, इंटीग्रेशन के ऊपर एक फील्ड सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अगर एम्प्टी सर्कल बनाते हैं देन इट इंडिकेट्स इंटीग्रेशन फॉर ए क्लोज्ड पाथ, बट क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हमें बनाना है तो इंटीग्रेशन के ऊपर एक फील्ड सर्कल यानी कि कम्प्लीटली भरा हुआ सर्कल एक बनाएंगे। तो डी फाई की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, डी फाई हमारा आ गया कितना, डी फाई आ गया ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो पिछला जो हमारा डेरिवेशन था स्फेरिकल सरफेस के लिए, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो उन दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि जब स्फेरिकल सरफेस लेते हैं और चार्ज पार्टिकल को रखते हैं सरफेस के सेंटर पर, तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एरिया एलिमेंट लें तो सेंटर से आर यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन मीन्स जहाँ भी हमने सरफेस एलिमेंट लिया है, तो सरफेस एलिमेंट हम स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर लें सबके लिए आर सेम होता है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। आर सेम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने से जब ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेम होता है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। देखो क्योंकि अगर हमने यहाँ पॉइंट पी ले रखा है तो आर की वैल्यू ये वाली है ओ से पी तक, अगर यहाँ कहीं पर लेते सपोज़ इस जगह पे होता अगर हमारा सरफेस एलिमेंट यहाँ पर, तब ये आर की वैल्यू कुछ और हो जाती। तो डिफरेंट पोजीशन में जब हम सरफेस एलिमेंट लेंगे तो आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, सब जगह सेम नहीं होगी, इसीलिए इस वाले केस में हम ई को कॉमन नहीं ले सकते, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते, हमें इंटीग्रेशन के साथ में ही ई को रखना पड़ेगा। तो अब ई की वैल्यू लिखते हैं, ई की वैल्यू क्या होगी, ई क्या है, आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0Q/r² दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या क्या है इंटीग्रेशन में, डी एस कॉस थीटा। नाउ सी, अब इस इंटीग्रेशन में 1/4πε0 इज कॉन्स्टेंट एंड क्यू इज़ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ये भी कॉन्स्टेंट है तो ये आर पे डिपेंड करता नहीं है। तो अब इस इंटीग्रेशन में ये चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, क्या कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है और 1/4πε0 भी कॉन्स्टेंट है। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचता है, इंटीग्रेशन के अंदर बचता है डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये जो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है ये क्या चीज़ है, तो इसको अगर हम कहें कि ये सॉलिड एंगल है, ये है सॉलिड एंगल, तो ये कैसे सॉलिड एंगल है ये अभी समझते हैं। तो इसको हम फिलहाल सॉलिड एंगल लिख देते हैं, फिर देखते हैं कि ये सॉलिड एंगल कैसे है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये है सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। अब ये सॉलिड एंगल कैसे है इस बात को समझते हैं। तो सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल एक सरफेस अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो अगर इस डायग्राम में भी देखें तो इस डायग्राम में ये जो डी एस सरफेस है इसने ओ पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया है, ये कैसे डायग्राम में कैसे बनाएंगे। तो डी एस सरफेस कितना एंगल सबटेंड करता है ओ पॉइंट पर, ये देखने के लिए क्या करना होगा, डी एस सरफेस के सभी किनारों से ओ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ओ पॉइंट पर एक कोन टाइप का शेप बनेगा। तो वही जो कोन का कितना एक्सपेंशन है, कितना फैला हुआ कोन है, यही सॉलिड एंगल इंडिकेट करता है, ठीक है। तो डी एस के सभी किनारों से ओ पॉइंट को अगर ज्वाइन करें और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएं,
एक कोन जैसा स्ट्रक्चर ओ पॉइंट पर बनाएं, तो ओ पॉइंट पर यहाँ पर बन रहा है सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल है यही कितना है डी ओमेगा, ठीक है। अब डी ओमेगा की वैल्यू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर कैसे हुई वो भी देख लेते हैं। तो सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है आर डॉट डी एस बाय आर क्यूब, आर डॉट डी एस बाय आर क्यूब। ये थोड़ा और सॉल्व अगर करें इसको तो आ जाता है आर डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो आर का एक पावर यहाँ से डिवाइड हो गया, तो आर का एक पावर डिवाइड होने से फिर हमें क्या मिल जाता है डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये सॉलिड एंगल की वैल्यू यहाँ से है, ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है आर डॉट डी एस बाय आर क्यूब, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक। तो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इज सॉलिड एंगल डी ओमेगा सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट डी एस एट पॉइंट ओ, तो उसी को हमने इक्वेशन थ्री में डी ओमेगा लिखा हुआ है, तो डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल। अब आगे सॉल्व करते हैं कि सॉलिड एंगल है डी ओमेगा आ गया, अब आगे कैसे सॉल्व होगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन थ्री में तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा फाई इक्वल टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डी ओमेगा है इस पर ज़रा ध्यान दें, ये हमने जब सॉलिड एंगल जिस लेक्चर में डिस्कस किया था वहाँ पर ये डिस्कशन हुआ था कि सॉलिड एंगल फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज फोर पाई। जब सरफेस क्लोज्ड होता है तो सॉलिड एंगल उस सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर अगर सॉलिड एंगल बनाया जाए तो वो हमेशा ही फोर पाई होता है, ठीक है। अगर सरफेस ओपन है तो फोर पाई से कम होगा, और सरफेस के शेप पर डिपेंड करेगा कि सरफेस का शेप कैसा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन अगर क्लोज्ड सरफेस है तो सरफेस का शेप और साइज कुछ भी हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो, अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम सॉलिड एंगल बनाएंगे तो वो हमेशा ही फोर पाई होगा। ये पिछले एक लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है जिसमें हम लोगों ने क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये क्लोज्ड सरफेस है तो इसके लिए जब हम सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करेंगे तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज ऑलवेज फोर पाई। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखें कि क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा ही जब हम सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट सरफेस के लिए तो वो फोर पाई होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि सरफेस का शेप और साइज किस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो आ गया क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर फोर पाई। तो आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक खुशी की बात नज़र आ रही है, वो खुशी की बात क्या है कि फोर पाई डिवाइड हो जाता है, जब भी कुछ डिवाइड हो जाता है कैंसिल हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। देखो यहाँ फोर पाई डिवाइड हो गया तो फाई ई कितना आ जाएगा 1/0 इंटू क्यू, और यही था गॉस लॉ का स्टेटमेंट, यही गॉस लॉ का स्टेटमेंट था कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स 1/0 क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस होगा। तो इस सरफेस के अंदर क्यू चार्ज था तो यहाँ पर 1/0 इंटू क्यू आ गया, तो यही क्या प्रूव हो गया गॉस लॉ। तो अगर एग्ज़ाम में तुम्हें ये वाला याद रहता है इसको कर देते हो इस वाले प्रूफ को एनी क्लोज सरफेस के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर नहीं याद रहता है तो फिर स्फेरिकल सरफेस वाला तो है ही। स्फेरिकल सरफेस वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है, बस यही डिफरेंस है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सरफेस वाले केस में कांस्टेंट होगा, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और अंदर बचेगा सिर्फ ds, और ds क्या चीज़ था, स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो जब सारे एरिया एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे तो पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया यानी 4πr² आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई सब जगह सेम नहीं है क्योंकि इरेगुलर शेप का सरफेस है,
तो आर सब जगह अलग अलग होगा, आर अलग अलग होने से ई भी डिफरेंट हो जाएगा, और इसीलिए हम ई को कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, तो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर जो होगा उसकी जगह डी ओमेगा लिख देंगे, और डी ओमेगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए 4 पाई होता है, ये बात याद रखनी होगी, और फिर ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये गॉस लॉ हो गया फॉर ए सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप। अगर सरफेस के बाहर भी कुछ पॉइंट चार्जेस रखे हों तो क्या होगा, तो क्या उनको क्यू एनक्लोज में लिया जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यू एनक्लोज का मतलब होता है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है सिर्फ उसी को लेना है। मान लो कि कोई ये हमने इरेगुलर शेप का सरफेस ले लिया, कुछ चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, सपोज़ यहाँ पर प्लस क्यू वन, यहाँ पर है प्लस क्यू टू, मान लो यहाँ पर है माइनस क्यू थ्री, इधर है माइनस क्यू फोर, और इधर है प्लस क्यू फाइव, इस तरह से चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो अगर हम इनके लिए गॉस लॉ लिखेंगे, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स लिखेंगे, तो 1/ε0 क्यू नेट एनक्लोज्ड, ये है गॉस लॉ। तो क्या क्या आ जाएगा, 1/ε0 क्यू नेट एनक्लोज्ड, सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ उसको लेना है, बाहर वाले को नहीं लेना है, क्योंकि क्लोज सरफेस के बाहर अगर चार्ज रखा है तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स होता है ज़ीरो, जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग हो जाएगा। या अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा बोलेंगे कि जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग, या जितना आउटगोइंग होगा उतना इनकमिंग, एक ही बात है किसी भी तरह से कह लो। तो इनक्लोज चार्ज यहाँ पर कितना है, Q5 और Q4 को हमें लेना है? नहीं, इनको नहीं लेना है, हमें सिर्फ Q1, Q2 और Q3 को लेना है। तो यहाँ पर क्या क्या है, और विद साइन लेना है, जो भी स्केलर वैल्यूज़ हैं जैसे कि चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पोटेंशियल, जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको विद साइन ही लेना है। लेकिन अगर वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो उसको साइन के साथ नहीं लेना है, वो हम डायग्राम में देखते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, फिर उसका वेक्टर सम किया जाता है, ठीक है, यानी रिजल्टेंट निकालते हैं। बट इस केस में चार्ज स्केलर है इसलिए विद साइन वैल्यू लेंगे, तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो इस तरह से हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे है क्या, आगे है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में ऐसे तो हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशन हैं जिनको हमें पढ़ना है, तो पहले एक इजी केस करते हैं, एक इजी केस जो एप्लीकेशन कैसे करना है ये समझने के लिए ज़रूरी है। तो वो इजी केस है कि गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ को डिराइव करो, गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ को डिराइव करो। और कूलम्स लॉ है क्या, व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ एक तो हमने पढ़ा था फोर्स के टर्म्स में कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यही कूलम्स लॉ है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या था कूलम्स लॉ? तो यहाँ पर पहले हेडिंग लिख लिया जाए, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं, और इन एप्लीकेशंस में भी पहला जो हम करेंगे वो क्या है, पहला हम लोग करेंगे डिराइव कूलम्स लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ को डिराइव करिए। तो कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर कहा जाए, जो कि हायर क्लास में उसी तरह से पढ़ा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, तो व्हाट इज यहाँ पर कूलम्स लॉ? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर हमें डिराइव करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कूलम्स लॉ क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ये है कि अगर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है ओ पॉइंट पर, क्यू इस पर चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर।
दिस इज कूलम्स लॉ। ये हमें प्रूव करना है कि क्यू चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये अगर हम प्रूव कर देंगे तो यही हमारा कूलम्स लॉ होगा। नो डाउट हमें ऑलरेडी पता है कि कूलम्स लॉ क्या है, बट ये एप्लीकेशन को सीखने के लिए हमने नोइंगली ये वाला प्रॉब्लम दिया है कि कूलम्स लॉ को गॉस लॉ की हेल्प से डिराइव करो, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं और इसमें जो स्टेप्स फॉलो होंगे वही किसी भी एप्लीकेशन में फॉलो होंगे। आगे जो हम लोग 3-4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस लॉ के, सभी में सेम तरीके से ही यही स्टेप्स फॉलो करके होगा। तो ज़रा स्टेप्स पे ध्यान देना, ठीक है। तो वो स्टेप्स क्या होंगे गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, उनको ध्यान दें। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि गॉसियन सरफेस बनाया जाए। स्टेप वन इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। व्हाट इज गॉसियन सरफेस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आता है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस होता है, वो किसी भी शेप या साइज का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल हो, ठीक है, किसी भी शेप या साइज का हो सकता है। बस उसमें एक दो बात इम्पॉर्टेंट है जो याद रखनी पड़ेगी कि गॉसियन सरफेस उस चार्ज को एनक्लोज करना चाहिए जिसकी वजह से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। जितना चार्ज की वजह से हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, फ्लक्स का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि कोशिश की जाती है कि गॉसियन सरफेस एक रेगुलर शेप का सरफेस हो। रेगुलर शेप का सरफेस होने से क्या फ़ायदा होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार बोल देते हैं कि रेगुलर शेप का सरफेस अगर होगा तब जो इंटीग्रेशन में ds आता है, ds मींस सरफेस का एक एलिमेंट, वो जब इंटीग्रेशन के अंदर आता है और हमें इंटीग्रेट करना होता है तो उस पूरे सरफेस का एरिया हमें क्योंकि पता होता है, रेगुलर शेप का सरफेस है तो उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला भी रहता होगा। तो उस पूरे सरफेस का एरिया जब ds का इंटीग्रेशन होगा तो हम डायरेक्टली वहाँ पर उस पूरे सरफेस एरिया की वैल्यू को लिखेंगे। तो एक ये फ़ायदा होगा रेगुलर शेप का सरफेस होने से। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब फ्लक्स कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इंटीग्रेशन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर सेम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को भी इंटीग्रेशन के बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदे होंगे। तो गॉसियन सरफेस के लिए पहली बात क्या है कि वह क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, दूसरी बात कोशिश करेंगे कि वो एक रेगुलर शेप का सरफेस हो, और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट भी गॉसियन सरफेस पर ही आना चाहिए। गॉसियन सरफेस मस्ट इंक्लूड द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के लिए तीन बातें होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस हो एक रेगुलर शेप का सरफेस और वो क्लोज्ड होगा, और उस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला काम होगा गॉसियन सरफेस बनाना। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे, कुछ तो चार्ज होना चाहिए पहले। तो सपोज एक चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया यहाँ पर, ये चार्ज पार्टिकल है, और इसी के लिए हमें कूलम्स लॉ प्रूव करना है। कूलम्स लॉ क्या प्रूव करना है कि आर डिस्टेंस पर इस पार्टिकल से पॉइंट पी है, जहाँ पर ये मान लो पॉइंट पी हो गया, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है। तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनानी होगी पहले। तो गॉसियन सरफेस अभी जैसे डिस्कशन हुआ, गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए और वो होना चाहिए एक रेगुलर शेप का सरफेस। तो ये मान लो हमारा गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। तो क्या ये गॉसियन सरफेस हमारी सारी गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, हाँ ये करता है, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, उस चार्ज को इंक्लूड कर रहा है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये पी पॉइंट को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, और ये एक रेगुलर शेप का सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हो, बट रेगुलर शेप का सरफेस होना चाहिए कोई भी शेप हो,
ठीक है, तो ये हमारा बन गया गॉसियन सरफेस। स्टेप वन कंप्लीट। नाउ स्टेप टू ये है कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पर एरिया एलिमेंट हमें लेना है, एरिया एलिमेंट एट पॉइंट पी। पॉइंट पी मीन्स पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो पी पॉइंट पर हमने एरिया एलिमेंट ले लिया, डी एस उसका नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप पूरा हो गया। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि एरिया एलिमेंट वेक्टर बनाना है, ठीक है। एरिया एलिमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाना है पी पॉइंट पर। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर कैसे बनेगा? डी एस पॉइंट पर, डी एस सरफेस एरिया के लिए ये हमारा एरिया वेक्टर बन गया और इसका नाम हमने रख दिया डी एस वेक्टर, ठीक है। और पी पॉइंट पर ही हमें बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे होगा? ओ से पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। डी ई की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह एक जैसा ही है, बिकॉज हमने ले लिया है एक रेगुलर शेप का सरफेस। तो ये हो गया ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये हमारा ओ पॉइंट था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर भी बन गए, और इनके बीच में हमने एंगल कितना था वो भी देख लिया। इस केस में ये एंगल है ज़ीरो, ठीक। तो स्टेप थ्री कंप्लीट। नाउ स्टेप फोर में क्या करेंगे? एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डीएस, डीएस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है? डी फाई ई विल बी ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। तो ये आ जाएगा ई डीएस कॉस ज़ीरो, दैट इज ई डीएस, ठीक है। ये स्टेप फोर हो गया। अब स्टेप फाइव क्या होगा? कंप्लीट गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये देखना होगा। स्टेप फाइव इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस, ठीक है। पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? होल गॉसियन सरफेस, ठीक है। कितना फ्लक्स आएगा? फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फॉर कंप्लीट सरफेस। कंप्लीट सरफेस का सिंबल लगा दिया, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ई डी एस। और अभी जैसा डिस्कशन किया था कि गॉसियन सरफेस हमें लेना है रेगुलर शेप का सरफेस, उससे क्या फ़ायदा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक जैसा हो जाएगा। और डायग्राम में भी देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस पर कहीं पर भी पॉइंट पी लिया जाए तो सब जगह आर डिस्टेंस बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कैसे होगा ये भी बताया गया था कि हमें रेगुलर शेप का सरफेस लेना, तो क्यों लेना है? देखो यहाँ पे फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो अगर रेगुलर शेप का सरफेस है तो डीएस का इंटीग्रेशन उस सरफेस के एरिया के बराबर हो जाएगा, 4πr2। रेगुलर शेप का है तो इसलिए हमें उसके लिए फार्मूला पहले से ही पता होता है। तो ये हो गया स्टेप नंबर फाइव। कंप्लीट गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमने पता कर लिया। अब लास्ट स्टेप है स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या करना होगा कि कैलकुलेटेड फ्लक्स, ये जो हमारा इक्वेशन 2 में आया है, कैलकुलेटेड फ्लक्स को गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स आएगा उसके इक्वल लिखना है, ठीक है। मतलब एक गॉस लॉ के स्टेटमेंट पर बेस्ड फ्लक्स और एक कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ फ्लक्स। कैलकुलेटेड फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देना है। तो दोनों को इक्वेट कर देने से क्या आ जाएगा? ई इंटू 4πr² इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हाउ मच फ्लक्स शुड बी देयर, 1ε0 इंटू क्यू। सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है? यहाँ पर क्यू चार्ज था तो सरफेस के अंदर क्यू चार्ज आ गया, तो हमने 1ε0 इंटू क्यू लिख दिया। और यहीं से ई इक्वल टू हमें मिल गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर।
और यही हमें प्रूव करना था, यही क्या है, यही कूलम्स लॉ है, ठीक है, कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इतना फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमने गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूव कर लिया। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आता भी है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ सीखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, यही स्टेप्स हम किसी भी टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब में यही स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि तुम्हें एक गॉसियन सरफेस पहचानना होगा कि वो गॉसियन सरफेस हम किस शेप का लें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर सिमेट्रिकल हो जाए। सिमेट्रिकल हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा और इंटीग्रेशन करने में हमें आसानी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आ जाएगा। और एक रेगुलर शेप का सरफेस लेने से क्या फ़ायदा होगा कि इंटीग्रेशन में जो ds होगा उसका एरिया डायरेक्ट हमें पता होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सरफेस उस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टेप वन हो जाएगा गॉसियन सरफेस, दूसरा हो जाएगा कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट पर एक हम एरिया एलिमेंट लेंगे, तीसरा एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स लिखेंगे कितना है, चौथा स्टेप क्या होगा पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में लास्ट स्टेप क्या होगा कैलकुलेटेड फ्लक्स और फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दोनों को इक्वेट करेंगे और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। गॉसियन सरफेस का शेप चेंज हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज बेसिकली देखेंगे तो स्टेप्स यही रहेंगे। तो आगे हमें करने हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में अलग अलग टाइप के सर्फेसेस क्या होंगे, उनके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही।